सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल शहबाज ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो गाइज आज लखनऊ आए हुए हैं और लखनऊ में आज बाइक परचेज करेंगे, क्योंकि जो पहले वाली बाइक थी जिससे ट्रैवल करते थे हीरो डीलक्स, वो थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर गई थी और उसने धोखा दे दिया, तो उसे सेल कर दिया है। और आज लखनऊ सेकेंड हैंड बाइक खरीदने आए हैं। अब वहाँ जाएंगे और वहाँ का भी कुछ कवर करेंगे, किस तरह की बाइक्स हैं और क्या रेट्स है बाइक्स का, और बहुत कुछ देखेंगे अंदर जाके। और उसके बाद कहीं निकलेंगे भी, कुछ कंटेंट बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो बने रहिएगा चैनल पे, चलिए चलते हैं अब। और ये रही बाइक की, यहाँ पे बाइक का रेट पता करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तब जाके बाइक मिलती है। यहाँ बाइक्स जो हैं बहुत अच्छी कंडीशंस में नहीं है जो अभी मैंने देखी है, और मैं दूसरे शोरूम की जो मैंने वीडियो देखी थी उस शोरूम में चल रहा हूँ लेके। तो ये रहा गाइस दूसरा शोरूम, वहाँ पे बाइक कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई थी, तो अभी हम लोग दूसरे शोरूम पे आ चुके हैं जो कि डालीगंज में ही अवेलेबल है, JP बेस्ट डील नाम से। तो अभी हम देखते हैं यहाँ के नज़ारे और यहाँ की बाइक और यहाँ की डिटेल बताते हैं। वहाँ पर कुछ खास नहीं बाइकें थी, तो अभी हम लोग यहाँ आ चुके हैं, तो देखते हैं सब कैसी है बाइक। बाइक तो अच्छी है और एवरेज भी बढ़िया है इस बाइक का, तो सोच रहे हैं अब कलर पसंद कर रहे हैं, उसके बाद कलर देख लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। हम लोग के लिए सही है गाइस, हम लोग को थोड़ा सा मॉडर्न टाइप में नहीं चाहिए, हम लोग को एवरेज में चाहिए ताकि हम लोग बाहर ट्रैवल कर सकें। ये है बाइक जो पसंद आई है, आप देख सकते हैं अच्छी बाइक है काफ़ी। ये शोरूम है तबास, काहे की टेंशन है अब यार? टेंशन नहीं है, खुशी भी है आज। डर लग रहा है कहीं पापा चिल्लाए ना, क्योंकि पापा ने मना कर रखा था कि नई बाइक लेके मत आना, और ये थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ी है। हम लोगों ने सेकेंड हैंड का बजट बना के चला था जो 25 से 30 हज़ार या 40 हज़ार के बीच में हो, लेकिन डिसाइड हम लोग ने फाइनली करा कि हम लोग नई बाइक ही लेते हैं ताकि हम लोग को लॉन्ग रूट में कोई दिक्कत ना आए। तो अभी पेपर वर्क हो रहा है, तो फाइनली देखते हैं। सो देख सकते हैं गाइस, यही बाइक है जो ले रखी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है। फाइनली गाइस बाइक ले चुके हैं अपनी, और नई बाइक ली है, लेने सेकंड आए थे और ले नहीं रहे, क्योंकि ट्रैवल करना होता है, काफ़ी दूर दूर ट्रैवल करते हैं, तो सोचा कि नई बाइक ले वो ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम ना करें। तो काफ़ी टाइम लग गया, यहाँ 1.5 घंटा लग गया प्रॉपर में। बाइक है जो होंडा की शाइन ली है, डीलक्स की, जो कि सेल आउट कर दी है, काफ़ी प्रॉब्लम्स कर रही थी और उसमें सेल्फ भी नहीं था। तो ये बाइक है, टेस्ट ड्राइव ले रहा है, अंदर दिखा दीजिए आप। ठीक, और ये है अभी टेस्ट ड्राइव ले रहा है, तबाज देखता है गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बाइक है, ये माइलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी देती है, कम से कम ये जो माइलेज है इसका 80-90 एवरेज है, और उन्होंने खुद बताया कि ये 80 किलोमीटर चल सकती है 1 लीटर पे, तो बहुत ही ज़्यादा। आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई है, पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा है गाइस, आप देख सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने ये बाइक डिसाइड करी, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा ट्रैवल करने में। पुरानी बाइक थी तो उस पर ट्रैवल तो अच्छा होता था, और बीच बीच में बंद हो जाती थी, तो फाइनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी पड़ी। अच्छी है ना सवाल, कैसा लगा? सही है बाइक, सही है जो सोचा था वैसी है, और पिकअप वगैरह भी अच्छा है, और ज़्यादा महंगी नहीं बैठी देखा जाए, अप्रॉक्स 11,000 महंगी, क्योंकि हम लोगों ने फाइनेंस करा ली 18 मंथ की EMI पे, और अभी इससे अच्छी अच्छी जगह जाएंगे और काफ़ी सारे कंटेंट बनाएंगे, तो इसीलिए बाइक लिए आप सबके प्यार से। चलिए चलते हैं आगे, कुछ प्रोसेस है पूरा कर लें। तो अभी गाड़ी में थोड़ा कुछ असेंबल करवाना है, कुछ पार्ट्स हैं वो लगवाने हैं, तो लगवा के फिर निकलते हैं यहाँ से बाहर। फाइनली बाइक की मैम ने दे रखी है।